अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, उम्मीद इंशाल्लाह। तो यार आज हमारे इनक्यूबेटर को फाइनली 21 डेज हो गए, तो कुछ सरप्राइज आपको देते हैं। 21 डेज से भी ऊपर हो गए, बट एक सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज तो मैं कल ही निकल गया था, लेकिन आज बड़ा कोई बता नहीं सकता, बड़ा कोई गंदा अमल हुआ है आपके भाई के साथ। ये लाइट ऑन करते हैं सबसे पहले, कौन सा बटन, हाँ ऑन ऑन ऑन, तीनों तीनों नहीं चार और पाँच हो गए। तो यार बड़ा गंदा अमल, ये देख मैं आप, ये यकीन कहेंगे इतनी स्मेल आ रही है इससे कि आपके भाई ने अभी बड़ा कोई ऑपरेशन किया। आपको ऑपरेशन भी दिखाता हूँ। हमारी जो डक्कू डोली थी ना, उसके मेरे को लग रहा था कि अंडे फर्टाइल होंगे ही नहीं। ऐसे क्यों लग रहा था, क्योंकि आप हमारे जो ये देख रहे हैं, माशाल्लाह से आपको सरप्राइज देते हैं। ये देखें दो चिक्स निकले, और ये चिक्स आपको मैं बताता चलूँ, ये हैं हमारी कुकी के दोनों चिक्स हैं माशाल्लाह, और लोग पेरेंट्स बन गए। आपको नजर भी आ रहे होंगे हमारे कुकी यहाँ पे। तो यार और लोग पेरेंट्स बन गए। बाकी जो डक्कू डोली थी ना, वो बड़ा कोई यार, उसको मेरे को लग रहा था उनका कहीं क्रॉस मैंने देखा नहीं। डक्कू डोली का मैंने क्रॉस देखा था कुकू कुकी का, बल्कि डक्कू डोली का मैंने क्रॉस नहीं देखा था। मैं समझता था कि यार ये लोग अनफर्टाइल अंडे देती हैं, तो अभी नहीं, लेकिन वो लोग भी फर्टाइल अंडे देती थी। देखें इतना सारा ब्लड वगैरह इस वजह से हुआ कि उसका बच्चा नहीं है। 3 दिन से मैं देख रहा था कि अंडा हिल तो रहा था, लेकिन अपने आप को बाहर निकाल नहीं पा रहा था। HD थी ना उसकी, ये 3 दिन से एहतिशाम की तो आज खैर नहीं है, क्योंकि एहतिशाम ने ये कोई, ये देख रहे, ये लाइट के बटन के साथ इसका बटन भी ऑफ कर दिए थे। कल से ऑफ था, कल से मैं ऊपर नहीं आ रहा था, ये ऑफ चल रहा था, तो उसकी वजह से वो HD नरम नहीं हुई और वो अपने आप को निकाल नहीं पाया बेचारा बच्चा। तो अभी मैंने दिल बड़ा किया, मैंने बोला आप चलो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो फाइनली यार बच्चा जब मैंने निकाला, मैंने बोला कि ये एक्सपायर है, तो मैं अंडा फेंकने ही वाला था उसको। मैंने बड़ा बेरहमी से निकाला, जब मेरे को पता लगा ना बच्चा थोड़ा थोड़ा सा नहीं है, अपने जो ये वाला आजा होता है टांगों के नीचे वाला आजा, वो थोड़ा सा सर्वाइव करवा रहा था, जहाँ से वो लोग मोशन करते हैं वहाँ से वो बच्चा नहीं अपने आप को थोड़ा सा सांस दे रहा। तो फिर मैंने बड़ी तैली उठाई, बड़ी मतलब फिर वहम से, मतलब थोड़ा नरम नरम करके मैंने उस बच्चे को निकाल लिया। अभी भी वो देखूँ, अभी बार बार मैं उसी को देखूँ यार, कि देखें ये सांस ले रहा है, ये देख रहे ये बात। तो यार खुशी की बात तो ये है कि हमारी कुकी जो है ना, वो पेरेंट्स बन गए कुकू कुकी। ये देख रहे, ये उनके टू बेबीज है, देख रहे इनके पैर पे बाल भी है, बैल बोल रहा हूँ, ये देखें। तो माशाल्लाह अभी ये 1 दिन और 2 आवर्स के हैं, तो अभी इनको मैंने इनक्यूबेटर में ही रखना है। तो ये खुशी की बात मेरे लिए इसलिए ना कि यार मैंने इनक्यूबेटर से उम्मीद लगाई नहीं थी, मैंने उम्मीद हार बैठा था, क्योंकि यार मैंने बोला यार 23वां दिन है, अब बच्चे नहीं तो कब, 21 दिन का प्रोसेस है, 23वां दिन हो गया। लेकिन माशाल्लाह से देख मैं, तो इन दोनों को वापस से इनक्यूबेटर में रखते हैं, क्योंकि ये नहीं है कुकी के बच्चे हैं, ये लोग बहुत टाइम लेंगे बढ़ने में। तो अभी इनको वापस से रखते हैं और वो अंडों की गैंडलिंग करता हूँ, डक के बच्चा मेरे को लग रहा है कि सर्वाइव कर जाएगा, और अंडे भी देखते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपको मिलेंगे फार्म में। सो फाइनली यार फार्म भी आ गए, बस अब इनको देखते हैं। डक्कू डोली तो भाई इनका पता नहीं क्या यूनिफॉर्म है, तो भाई बंद ही नहीं होते मैं ऐसे, तो मैं इनको बंद करना भी पसंद नहीं करता, क्यों है ऐसा पैट्स है ना मेरा। तो अंडा मंडा डक्कू डोली ना छुट्टी तो नहीं थी ना यार, डक्कू डोली मेरे ख्याल से छुट्टी नहीं करती, छुट्टी नहीं करती, लेकिन ये अंडा कहीं दबा देती है। डक्कू डोली की आदत मैंने बड़ी देखी, और कल यार हमारी असील मुर्गी नहीं थी ना, मेरे को ऐसा लग रहा है मसाला बेहतर के कल उसने मेरे ख्याल से अंडा दिया था, ये देख मैं, उसने खुद ही पी लिया, मैं आया यहाँ से पी जा रही थी, मैंने बोला ऐसी आदत है तो फिर भाई आज तुम्हारा टिकट कटवाता हूँ, चलो मार्केट और बेच के आता हूँ, अंडों वाली देसी मुर्गियाँ लाता हूँ। तो ये भी आज इसका और उसका नंबर है मार्केट जाने का, और इनके बजाय देसी मुर्गी आएंगी, क्योंकि असील है मेरी एक मुर्गी बच्चे दे रही है, एक ने दे दी, तो मेरे को कोई इतना वो नहीं। हमारी सिल्की कुकी, और यहाँ पे हमारा आ गया पैर कुकू कुकी का, चलो ना भाई कुकू कुकी आ जाओ, आओ 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 ना, चलो। तो यार आज कलर करने के मूड से आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कलर कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि यार आज शायद भी नहीं है साथ, तो कलर बनाने वाला ही वो था, उसको थोड़ी वो समझ है कि कलर कैसा बनता है ये वो ना, तो वो तो आज नहीं है। तो इंशाल्लाह उसको कल आदमी बुलाएंगे, जब तक हम अपनी सिल्की को खोलते हैं। सिल्की के अलावा हमारा सब खुल गया ना,
कुकू कुकी तो दूसरे केज में घुस गया, इनकी बारी है टबकू टबकू की और असील मुर्गियों की। तो आ जाओ भैया, आ जाओ, अंडा तो नहीं दिया ना आज भी, इसके बाद टाइम है, अगर इसने अंडा दे दिया तो हम इसे रख लेंगे, अगर इसने आज भी अंडा नहीं दिया तो फिर सॉरी, फिर नहीं हो सकता कुछ। टबकी टबकू आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। तो असील मुर्गी भाई, हमारी असील मुर्गी मेरे साथ बच्चे देगी तभी उठेगी, ये देख मैं यही बैठी है। तो भाई दिल कभी तो आ जाए नहीं कभी तो इसकी अपनी मर्जी है। तो डक्कू डोली सब खुले में भाई, तो अभी एक असील मुर्गी तो मैं से रह ही गई थी। आ जाओ आ जाओ, कहाँ है इसकी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो थोड़ी भी नहीं, हमारे शेरा चला गया उसको लेने। तो इनको अभी खाना डालते हैं सही तमीज से, थैलियाँ उठा के जलाना शुरू करते हैं। देखिए बकरियों ने सारा लूसन ज़मीन पर मार मार के गंदा कर दिया, इनसे ये भी उठा। तो यार मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ, आप भी हैरान हो जाएंगे। हमें बीच में हमारी डक्कू डोली ने भाई कोई एक हफ्ता छुट्टी कर दी थी ना, कितनी एक हफ्ता। अभी आप बोलेंगे यार ये इसने बनाया, लेकिन ये कसम से रियल बात है, आपको यहाँ कुछ नहीं दिख रहा सही है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो कल मैंने यहाँ अपने चूजे छोड़े थे छोटे वाले, यहीं बन के थे, अभी आपके सामने भी खोले, ये देख रहे हैं, ये भी उन लोगों ने किया। तो वो मिट्टी से बाबा पैर अभी थोड़े से बड़े हो गए ना, तो अभी खुद मतलब पैर मारते हैं, पहले उनकी अम्मा मारती थी अब बहुत मारते हैं। तो अभी आपको एक चीज़ दिखाने लगा, यहाँ कुछ नहीं है ना, अभी मेरे को पूरा अंदर आने थे। एक दो सही है, मेरे ख्याल से तीसरा भी मैंने देखा था, अगर मैं नज़र ठीक हुई तो तीन, तीन हाँ तीन ही देखे थे। तो ये तीन दिन उन लोगों ने छुट्टी नहीं की थी, तीन दिन उन लोगों ने अंडा दिया था, लेकिन मेरे को कोई अंधा था, मेरे को कोई इतना दिख नहीं रहा था, तो इस वजह से ये देख रहे तीन के तीन अंडे यहीं पड़े हुए थे। अभी इनको उठाते हैं अंडों को, वही जगह पे रख देते हैं। मैं ऐसे ही हो रहा था, मैंने बोला डक्कू डोली का भाई अंडों को प्रोसेस पूरा हो गया, अब अंडे नहीं थे, लेकिन उन लोगों ने अंडे लगातार दिए हो, तीनों दिन अंडे दिए हो, तीनों अंडे उनके शक्ल से भी लगे, साइज वाइज से भी लगे, इसको उठा के वहाँ रख देते। तो यार अपनी चीज़ों को अभी फिर से कीड़े डालें, तो कीड़े जब तक ये लोग खा लेंगी तब तक अपन जाते हैं इनके लिए पानी लाते। तो हमारे देखें इस खरगोश ने वापस से इतना बड़ा खड्डा शुरू कर दिया, लेकिन ये खड्डा इसके इसके काम का नहीं है, क्योंकि मैं बंद कर दूंगा। एक खड्डा इन लोगों ने वहाँ किया है वही बहुत है। तो अभी पानी भर के लाते हैं इनके लिए, क्योंकि आज धूप थोड़ी ज़्यादा है, मौसम शुक्र थोड़ा गर्म हो गया, क्योंकि ठंड से तो मैं इनको बचा बचा के थक गया था, लेकिन अब गर्म हो गया अब सही, अब कोई मसला नहीं होगा। तो यार अभी इन सबको पानी वगैरह डाले, ये सब अपने खाने में मसरूफ़ है भाई। बकरी ने कोई जगह कोई आगा अलग सी कर दी, इसकी मैंने वसी खोल के सही की है, वसी फिर इसकी ढीली हो गई। तो ये देखें इसको, देखें बबलू को सींगे मारती है, बबलू के बाल यहाँ आ जाते हैं। खाओगी नहीं भैया, तो हर चीज़ खाती रहती है। तो यार कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल काम शुरू करना है, तो कल ये सारा मुकाना है, तार लानी है, तार से पहले दोनों पट्टे जोड़ने, पेड़ जोड़ने, बकरी को फिर हम यहाँ बांधना शुरू कर देंगे। उसकी एक ख़ास वजह है कि बाबा पट्टे ख़राब ना कर, और उसको रेड कलर लाएँ, रेड कलर करेंगे। चूना ही मैं ले आया हूँ, चूना मैंने भिगो दिया बिल्कुल तैयार है, चूना बस करने की देर है। उसके लिए बड़ा ब्रश लाना है, वो ला के छोटे से होगा, अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो बड़े ब्रश से हम सारा काम मुकाएंगे। ये क्या है देखें इसकी आवाज़ सुने, ये यही कर रही आवाज़, देखें टक टक करके खा रही है। तो आप इस पे लोग को भी एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त मस्त करें, ताकि हम 10K सब्सक्राइब हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके।